gamers, my name is Abu. Welcome back to another new episode of City Skylines. In the last video, हमारे सिटी में एक बहुत बड़ा आपदा आया था, जहाँ पे हमारा बुर्ज खलीफा टुकड़ों में टूट छूट के बिखर गया। इसी जगह पे था हमारा वो बुर्ज खलीफा जो जमीन के अंदर अभी धस चुका है। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज उसको चेकआउट करो। बहुत बड़ी आपदा आई थी हमारे सिटी में एंड सुनामी भी आई थी, उसकी वजह से हमारी पूरी सिटी डिस्टर्ब हो गई थी। बट अभी जाके मैंने आई थिंक सब कुछ ठीक कर दिया। मैंने ऑफलाइन थोड़ा सा गेम को खेला है, बट आज मेरा पूरा फोकस रहेगा अपने यूरोपियन सिटी के ऊपर, जहाँ पे आज मैं ट्रेन स्टेशन बनाने वाला हूँ। एंड मैंने सुना इस गेम में बुलेट ट्रेन वगैरह भी होती है, तो आज मैं वो चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि आज तक मैंने हमारी पूरी सिटी में कहीं पे भी ट्रेन का स्टेशन बनाया नहीं है। अभी तक मैंने मेट्रो स्टेशन बनाया है, बस मेट्रो स्टेशन ही बनाई है और मैंने ज़्यादा भी बनाया नहीं है। पूरा कनेक्शन मेट्रो का हमारा इधर ही है, तो आज हम हमारा ट्रेन का स्टेशन यहीं से शुरू करेंगे हमारे यूरोप से, और यहीं से हमारे पूरे सिटी में उसको हम फैलाएंगे। वीडियो की शुरुआत में करना चाहूँगा थोड़े से पार्क्स को बनाने से। वन एंड ये यहाँ पे टू, और ये इधर एक आएगा जस्ट लाइक दिस एंड इधर एक आएगा जस्ट लाइक दिस। तो मैंने अभी हमारे यूरोप सिटी में चार पार्क्स लगा दिए, चार मेन जगहों पे। एंड मुझे यहाँ पे भी पार्क्स लगाने थे, बट अभी यहाँ पे एरिया नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे थोड़े से नए रोड्स बनाए थे। एंड वेट, यहाँ पे क्या इशू हो रहा है? नॉट इनफ गुड्स टू सेल। ओ भाई, यहाँ पे भी ये वाली दुकानों में चीज़ें ही बेचने के लिए नहीं है हमारे यूरोप सिटी में। इन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे गाइस यहाँ पे भी थोड़े से वर्कशॉप्स बनाने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था, वर्कशॉप नहीं वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, और हम उन वेयर हाउसेस में कुछ भी मंगा सकते हैं। ये वाली जगह पर मैंने एक वेयर हाउस लगा दिया है और इसके अंदर हम सारे गुड्स को स्टोर करेंगे, क्योंकि हम फैक्ट्री से तो यहाँ पे चीज़ें मंगवा नहीं सकते, वर्कशॉप कुछ भी मंगवा सकते हैं। सो दैट्स वाई इसको हम बैलेंस रखेंगे। एंड यहाँ पे हमको मंगाना है कमर्शियल जोन गुड्स, तो अभी मैंने इसको यहाँ पे कमर्शियल जोन सेलेक्ट कर दिया है। तो अभी जो बाहर से जो हमारी सिटीज़ है, आई मीन हमारी जो सिटी है, वो बाहर से माल को भी इंपोर्ट करेंगी, गुड्स को वगैरह। ये हमने अभी यहाँ पे स्मॉल वेयर हाउस बना दिया है, तो इन लोगों की प्रॉब्लम जल्दी यहाँ पे सॉल्व की जाएगी। एंड नाउ अभी आते हैं अपने यूरोपियन सिटी को थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए। मुझे यहाँ पे थोड़े से और पार्क्स वगैरह लगाने हैं। ये जापानीज गार्डन वगैरह लगा, देखिए यहाँ पे जगह मिलेगी क्या मुझे? हाँ यार, यहाँ पे लगेगा। एक काम करते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं और एक यहाँ पे लगाते हैं, इससे हमारे सिटी के लोग खुश हो जाएंगे। और सेम यहाँ पे लगेगा क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ और लगाते हैं। ये बोटैनिकल गार्डन लगेगा क्या? नहीं यार, इसके लिए काफ़ी सारा स्पेस चाहिए। तो एक काम करते हैं, बोटैनिकल गार्डन हम कोई जगह देगा मुझे लगाने के लिए? यार मुझे पूरी सिटी सिमिलर बनानी है, तो बोटैनिकल के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है। पार्क है, ये छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्क लगा देता हूँ हमारे जस्ट हॉस्पिटल के सामने, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पार्क लगा दिया है। एंड वैसे भी मुझे यहाँ पे सेम लगाना पड़ेगा एक और पार्क। ओ, इसने अपनी बिल्डिंग अबैंडन कर दी यार, इसको गुड्स नहीं मिल रहे टाइम टू टाइम। ओ भाई साहब, इसके अंदर अभी तो कुछ आया नहीं है क्या इस वेयर हाउस के अंदर? अभी तो कुछ भी नहीं आया है, 0% है यार। पता नहीं यहाँ पे माल कब आएगा। तो मुझे लग रहा है ना, मुझे यहाँ पे एक और कार्गो ट्रेन टर्मिनल यहाँ पे कहीं पे बनाना चाहिए। यहाँ पे मैं एक कार्गो ट्रेन टर्मिनल लगा सकता हूँ, तो शुरुआत में उसी से ही करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन बनाएंगे, पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल, एंड देन मैं यहाँ पे एक कार्गो ट्रेन टर्मिनल लगा दूंगा। देन हमारा पूरा जो ये प्रॉब्लम है कार्गो का, वो वो गुड्स का वगैरह, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये हम आ गए ट्रेन के सेक्शन में। अभी तक देखो यहाँ पे ट्रेन लाइन ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई ट्रेन स्टेशन ही बनाया नहीं है। तो ये वाला जो रोड है वो यहाँ से सामने की तरफ आएगा। एंड वैसे भी आई थिंक यूरोपियन सिटी के लिए अलग सा मेरे पास है ट्रेन का कुछ। हाँ, ये वाला, ये हमारे स्पेशली यूरोपियन सिटी का ट्रेन टर्मिनल होता है। तो ये वाला ट्रेन टर्मिनल हम इधर किधर लगाएंगे? कहाँ पे लगाएंगे ट्रेन टर्मिनल? वैसे ट्रेन की मेन लाइन यहाँ से जाती है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम इजीली बना सकते हैं। पूरे एरिया को मैं जल्दी से लेवल कर देता हूँ, क्योंकि लेवल अप एरिया मुझे अच्छा लगता है यार। वे ट्रेन्स के वगैरह ट्रैक्स उससे इजीली बन जाते हैं। तो ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे हमारा ट्रेन टर्मिनल रहेगा। पूरा एरिया मैंने भी यहाँ पे प्लेन कर दिया है, जिस जगह पे हमारा ट्रेन टर्मिनल बनेगा, कार्गो ट्रेन टर्मिनल एंड पैसेंजर वाला, दोनों हम यहाँ पे बनाएंगे। और मुझे भी ऐसा लग रहा है मुझे देन हमारे यूरोपियन मैप को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इधर तक आएगा, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो हमारा यूरोपियन वाला एरिया रहेगा। तो इसको भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसको पेंट कर देते हैं जल्दी से। सो देयर यू गो। जब तक हमारा एरिया पेंट हो रहा है, मैं आपको मेरे टेंथ के मार्क्स बता देता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मुझे टेंथ में टोटल 81% मिले थे। आई एम ए काइंड ऑफ एवरेज स्टूडेंट, मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे 81.92 ऐसा कुछ मिला था। एंड आई नो ये काफ़ी अच्छे मार्क्स है। तो ये रोड यहाँ से इस तरफ आएगा, जहाँ पे हमारा पैसेंजर ट्रेन टर्मिनल रहेगा। एंड देन पैसेंजर, सबसे पहले पैसेंजर बनाते हैं, देन उसके बाद में मैं कार्गो वाला बनाऊंगा, क्योंकि पैसेंजर अभी इंपॉर्टेंट है। इसको भी थोड़ा सा और आगे बनाते हैं ऐसे। मैंने थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करे, पहले जो मैंने लेआउट बनाया था उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस चाहिए कार्गो ट्रेन टर्मिनल बनाने के लिए। तो अभी यहाँ से आते हैं ट्रेन स्टेशन में। एंड ये हमारा यूरोपियन स्टेशन, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे रहेगा ये, मैंने यहाँ पे अभी एक यूरोपियन ट्रेन टर्मिनल स्टेशन बना दिया है। भाई वाह, क्या लग रहा है दिखने में, एक लाइक बनता है हमारे इस प्यारे से यूरोपियन ट्रेन स्टेशन के लिए।
इसकी बिल्डिंग एग्जैक्टली यूरोपियन स्टाइल की तरह ही है, ऑब्वियसली हमारे यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट में है, दैट्स वाई ये वाला हमारा यहाँ पे रहेगा। एंड अभी इसको थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो एक काम करते हैं, पानी यहाँ से आगे की तरफ आएगा और इसको यहाँ से पानी मिल जाएगा। ले भाई प्यास बुझा दे तेरी, तो इसको मैंने पानी दे दिया। एंड नाउ बस हमको यहाँ पे ट्रेन के स्टेशन के नेटवर्क्स बनाने हैं। एंड ये क्या चीज़ है भाई बीच में, ओ ये लाइट है। अभी हमको यहाँ पे थोड़े से ट्रेन के ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले मुझे यहाँ पे एक लेआउट बनाना है जो कि ट्रेन का जो ट्रैफिक होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो गेमर्स, मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेन के ट्रैक्स का छोटा सा लेआउट बना दिया है जिससे हम ट्रेन का जो ट्रैफिक होता है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। एंड नाउ अभी बस मुझे यहाँ पे ट्रेन के ट्रैक्स के कनेक्शंस बनवाने हैं। ये वाला ट्रेन ट्रैक इससे कनेक्ट होगा, देन इसके बाद ये वाला ट्रेन ट्रैक थोड़ा सा हमने इसको कनेक्ट होगा, एंड देन इसके बाद ये वाला ट्रेन ट्रैक इसको कनेक्ट होगा, और फिर जाके ये जो है उसको हम अंडरग्राउंड करेंगे यहाँ पे ऐसा। एंड ये होगा इसको कनेक्ट यहाँ पे, हो जाए मेरे भाई कनेक्ट यहाँ पे। देखो अभी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो जो ट्रेन है वो इजीली इन ट्रैक्स पे आ सकती है, और सेम मुझे इधर जाने के लिए भी करना होगा, जस्ट लाइक दिस। सेम लग रहा है नहीं, सेम लग रहा है, नो प्रॉब्लम। देन इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आ जा मेरे भाई हो जा। एंड इसको भी करा पिया कनेक्ट, इसको सबसे पहले थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा अभी, ठीक है। और ये आके कनेक्ट होगा यहाँ पे, हो गया। फाइनली गेमर्स, मैंने यहाँ पे हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन स्टेशन हमारे यूरोप सिटी का, वो कंप्लीट कर दिया है। एंड ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इसके बाद मैं ये ट्रेन का ट्रैक है उसको भी सामने की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँगा। अगर ट्रेन को अपने ट्रैक्स को चेंज करना है वो यहाँ पे इजीली कर पाएंगे, ये भी यहाँ पे आके इसको हम कनेक्ट कर देंगे, और सेम टू सेम यहाँ से भी मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको पीछे लेके आते हैं, आई थिंक इधर से ही कनेक्ट होगा ये, जस्ट लाइक दिस। हाँ अभी ये दिखने में भी सिमेट्रिकल लग रहा है और अच्छा लग रहा है, और अभी फाइनली मुझे इस ट्रेन के ट्रैक को यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे नीचे लेके जाना पड़ेगा, और सीधा कनेक्टेड ओवर हेयर। हाँ देखो कनेक्शंस मैंने कर दिए, तो अभी हमारी जो ट्रेन्स है वो यहाँ पे आ पाएंगी, बट मुझे ये देखना है यहाँ पे ट्रेन कब आएगी। मुझे इसके लिए आई थिंक ट्रेन के ये बनाने होते हैं, कनेक्शंस बनाने होते हैं। हाँ मुझे ट्रेन के ये लाइन बनानी पड़ेगी ट्रेन की, और दूसरा ट्रेन स्टेशन तो हमारे सिटी में है ही नहीं, ये कार्गो ट्रेन टर्मिनल है, मुझे अभी एक और ट्रेन स्टेशन लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसा ही सेम ट्रेन स्टेशन कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ट्रेन स्टेशन लगाऊंगा और वहाँ पे हमारा यूरोपियन रहेगा। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ट्रेन स्टेशन लगा दिया, और अभी बस मुझे इसको उस ट्रेन ट्रैक से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में बहुत सारे ट्रैक्स हैं, उनको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आई थिंक। हो जा मेरे भाई, स्पेस इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, एक सेकेंड, यहाँ से जा रहा है ट्रैक हिरवा, आई मीन ग्रीन बन गया, ये मराठी में उसको हिरवा बोलते हैं। एंड देन थोड़ा सा और पेज डाउन, आ जा सामने, वेरी गुड बॉय, थोड़ा सा और नीचे आ जा, एंड ये यहाँ पे कनेक्टो। ओके गाइज, मैंने एक कनेक्शन करवा दिया है, और वैसे ही मुझे आई थिंक इधर से भी कनेक्शन लेके आना पड़ेगा ताकि इसका पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको भी हम यहाँ से पेज डाउन करेंगे, इसको अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो चलेगा क्या, पता नहीं, अब एक बार कनेक्शन करके देखते हैं। यहाँ से एक ट्रेन की लाइन आएगी जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगी, वो बन रही है, लेट्स गो। फाइनली हमारी पहली लाइन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो आई थिंक अभी यहाँ से ट्रेन दौड़ना शुरू कर देगी जो कि यहाँ से इस रोड से इधर जाती है। ठीक है, एक ट्रेन की लाइन हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, और अभी मैं गेम को ऑन कर रही हूँ, तो मैं भी यहाँ से ट्रेन भागना शुरू हो जाएगी। बस मुझे ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई बुलेट ट्रेन है, अरे ये तो नॉर्मल ट्रेन ही है। बुलेट ट्रेन के लिए मुझे आई थिंक यहाँ पे गाइस बड़ा स्टेशन बनाना पड़ेगा, बट अभी इसको थोड़े से पानी की ज़रूरत है, तो एक काम करते हैं इसको पानी का कनेक्शन यहाँ से दे देते। तो हमने यहाँ पे मोमो सिटी के मोमो टाउन के सामने एक ट्रेन का रूट यहाँ पे बना दिया है, और वह मुझे इस रोड को सामने की तरफ कनेक्ट भी करना पड़ेगा। फाइनली पहली ट्रेन हमारे यूरोपियन ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है जो कि यहाँ पर लाइन नंबर 1 पर आती है, एंड आई थिंक यहाँ पर आके रुक जाएगी। वैसे इसके अंदर कितने पैसेंजर्स है, अभी आई थिंक कोई पैसेंजर नहीं होगा, कोई उतरा है क्या ट्रेन से, नहीं कोई भी उतरा नहीं है, और ये ट्रेन यहाँ से वापस चलेगी। और यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी दे रखे हैं, वैसे काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, बट ये वापस यहाँ से ट्रेन चलेगी क्योंकि अभी तक आई थिंक लोगों को पता नहीं यहाँ पे कोई ट्रेन स्टेशन भी है। बट ये देखो यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है, ओह लेट्स गो, अभी यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे लोगों ने आना शुरू कर दिया है। और इनकी गाड़ी को पार्क करने के लिए मैं यहाँ पे गाइज एक पार्किंग भी लगाना चाहूँगा, पार्किंग सिस्टम, तो एक बड़ा सा पार्किंग सिस्टम ये यहाँ पे लगाते हैं, और एक ये यहाँ पे लगाते हैं, तो पार्किंग का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। मैंने भी यहाँ पे बड़े से दो पार्किंग लगा दिए, पार्किंग एरिया जहाँ पे लोग अपनी कार्स को पार्क करेंगे। दूसरी ट्रेन भी गाइज हमारे ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है, और वैसे इसके अंदर कितने पैसेंजर से मुझे देखना है एक बार, इधर से कोई उतर रहा है क्या, अभी तक तो कोई भी पैसेंजर उतरा नहीं है। क्या मैं एक और लाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ सेम ट्रेन स्टेशन पे, कहाँ पे क्या हमारा ट्रेन स्टेशन, ये वाला ट्रेन स्टेशन, हाँ आई थिंक मैं एक और लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट होगी वो। ओ भाई सेम स्टेशन से मैं दो दो लाइंस भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तो भी वहाँ से दो तो ट्रेन्स आएंगी, और देखो एक ट्रेन यहाँ पे आ भी चुकी है। आई थिंक ये पैसेंजर, अभी इसके अंदर जीरो पैसेंजर्स है, पता नहीं क्यों यार, लोगों के यहाँ से लेके जाओ, डिस्टेंस ट्रैवल 4%,
इसका मैं सिनेमैटिक व्यू भी ले सकता हूँ, जस्ट लुक एट द व्यू। वाह देखो वहाँ पे हमारा आईफिल टॉवर दिख रहा है, और अभी यहाँ से तो ये पूरा अंडरग्राउंड है तो इसको देखने में कोई भी फायदा नहीं है, तो ये ट्रेन आई थिंक उसकी जर्नी तक चली जाएगी। बट अभी मुझे ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई बुलेट ट्रेन आती है। नॉर्मल ट्रेन ट्रैक पे तो कोई भी बुलेट ट्रेन नहीं है, मुझे इसके लिए आई थिंक यहाँ पे ना गाइस एक हब बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक हब का भी ऑप्शन होता है, ट्रेन हब, जो कि वो बड़ा होता है, वो बनाने के बाद में भी यहाँ पे बुलेट ट्रेन आ सकती है, तो वो आई थिंक इधर किधर होता है। मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन मुझे आई थिंक ये बनाना पड़ेगा, ये अगर बना दिया तो यू नो दुनिया भर की जितनी भी ट्रेन्स है हमारे सिटी स्काइलाइंस में वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो बट ये बनाए कहाँ पे, जहाँ से दुनिया भर की ट्रेन्स इधर आएंगी, मैं यहाँ पे भी इसको बना सकता हूँ बट उसके कनेक्शंस नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन यहाँ पे बना दे क्या, इधर इधर बनाते हैं, यहाँ पे हम उसके कनेक्शंस भी कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इधर की भी मैं एरिया को गाइस प्लेन कर देता हूँ, ये पूरा एरिया प्लेन रहेगा, इसको भी पूरा प्लेन करते हैं, यहाँ पे हमारा मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन रहेगा। बना दिया गाइस हमने यहाँ पे एक मल्टी प्लेटफॉर्म ट्रेन स्टेशन, और अभी इसके ट्रेन के कनेक्शंस मैं यहाँ पे भी इजीली करवा सकता हूँ। ये कौन सी ट्रेन है, वेट गाइज, बुलेट ट्रेन्स ने इधर आना शुरू कर दिया है, ये बुलेट ट्रेन आई थिंक, लेट मी चेक, मैं अंदर नहीं जा पा रहा, सिनेमैटिक व्यू में जा सकते क्या, ये कहाँ पे जा रही है, ट्रेन स्टेशन, ओ ये वाले ट्रेन स्टेशन पे जा रही है। फाइनली गाइज बुलेट ट्रेन ने आना शुरू कर दिया, अरे उसके लिए दिन मुझे बड़ा ट्रेन स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आई थिंक यहाँ से बुलेट ट्रेन आ जाएगी। अबे ये तो नॉर्मल ट्रेन है, बुलेट ट्रेन किधर गई, वैसे ये बुलेट ट्रेन इसी ट्रैक पे आने वाली थी, इसी स्टेशन पे, मुझे आई थिंक थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। एंड देयर यू गो, फाइनली गाइज बुलेट ट्रेन हमारे सिटी स्काइलाइंस में आ चुकी है। ओ भाई बहुत सही लग रहा है, इसकी स्पीड बाकियों से काफ़ी ज़्यादा है। देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी बस 240 लोगों की है, बट हमारे बुलेट ट्रेन की कैपेसिटी 500 लोगों की है, एंड ये वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे लेके आएंगे। एंड अभी ये देखो यहाँ पे आ चुकी है, अभी इससे लोग आई थिंक उतरना शुरू कर देंगे, एंड देखो लोगों ने इसे उतरना शुरू कर दिया, कुछ लोग बस के अंदर बैठ गए, और अभी यहाँ से वापस चली जाएगी सिटी से बाहर। तो इसके लिए मुझे वो बड़ा ट्रेन यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, तो उसको गाइस मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यूरोपियन स्टेशन पे भी एक बुलेट ट्रेन आई है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, अलग अलग कलर्स की ट्रेन्स है क्या, देखो ये भी दिखने में कितनी प्यारी लग रही है। आई थिंक इसके अंदर कितने लोग आते हैं, इसके अंदर 450 लोगों को लेके जा सकती है। इसका एक बार आपको मैं सिनेमैटिक व्यू दिखा देता हूँ बुलेट ट्रेन का, ये रहा बुलेट ट्रेन, आई थिंक ये सारी की सारी जापनीज बुलेट ट्रेन्स है, क्योंकि इंडिया में तो अभी तक कोई भी बुलेट ट्रेन आई नहीं है, बट सिटी स्काइलाइंस में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो या हम कह सकते हैं कि इंडिया में बुलेट ट्रेन आ चुकी है, और ये ट्रेन आई थिंक हमारी सिटी छोड़ के बाहर जाने वाली है। और जब ट्रेन अपना ट्रैक चेंज करती है, सेम ही ट्रैक होता है, वो दो बुलेट ट्रेन जा रही है सामने से, भाई ये तो काफ़ी सही है, मुझे लगा ज़्यादा ट्रेन्स नहीं आएंगी, बट अभी काफ़ी सारी बुलेट ट्रेन्स आ रही है। और यहाँ पे देखो ट्रेन्स का ट्रैफिक होना शुरू कर दिया, मैंने बोला था ना दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे ज़्यादा ट्रेन्स के स्टेशन वगैरह नहीं लगाने, हम नॉर्मली रखेंगे। ऊपर से भी बुलेट ट्रेन जा रही है, नीचे से भी आ रही है, भाई 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 बहुत सारी ट्रेन्स आ रही है। एंड आई थिंक दो टाइप्स की ट्रेन है, एक रेड वाली एंड ये ब्लू वाली, वैसे मुझे वो रेड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको कौन सी अच्छी लग रही है मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बताओ। ये अपने शूज़ को टाई कर रहा है, भाई क्या एनिमेशन से है, एक्चुअल में इसने भी अपने शूज़ को टाई करा, एक लड़की यहाँ पे वेट कर रही है ट्रेन का, उसके अंदर ये बैठ गई, ये सारे टूरिस्ट है, और ये बंदा भी अपने शूज़ को टाइट कर रहा है, इसके कैमरा भी उसके साइड चेस्ट पे है, वो शूटिंग वाला फोटो खींचने के लिए। एक और बुलेट ट्रेन आ चुकी है, भाई 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 बहुत बढ़िया, अभी देखो बहुत सारी ट्रेन्स हमारे ट्रेन स्टेशन पे आ रही है, और ये पैसेंजर आई थिंक उधर से ही उतरी है, वैसे देखते ये पैसेंजर कहाँ पे जा रही है, अभी मैं यहाँ से देख नहीं सकता क्योंकि यू नो उसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते यहाँ से। और अभी हमारे ट्रेन स्टेशन में थोड़ा सा क्राइम बढ़ रहा है, तो दैट्स वाई हमको यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, एंड हम यहाँ पे यूरोपियन वाला ही लगाएंगे, ये यूरोपियन सिटी है दैट्स वाई यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन रहेगा, तो अभी यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं कर पाएगा। एंड एक मैं फायर डिपार्टमेंट भी लगा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो एक फायर स्टेशन यहाँ पे रहेगा। मैंने यहाँ पे पार्किंग करने के लिए इतना बड़ा पार्किंग लॉट दे रखा है, फिर भी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ रोड पे ही पार्क कर रहे हैं, तो मुझे आई थिंक वो वाला जो ट्रैफिक वाला मोड है मुझे वापस से ऑन करना पड़ेगा, उसकी मदद से हम यहाँ पे ट्रैफिक जो रोड के साइड में गाड़ियाँ जो लोग पार्क करते हैं वो मैं यहाँ पे बंद करवा सकते हैं, और वो मुझे बंद ही करवाना पड़ेगा, अगर मैंने वो बंद नहीं करवाया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस बिल्डिंग सर्व एज देयर हेडक्वार्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग द ईडन प्रोजेक्ट। ये ईडन प्रोजेक्ट क्या होता है भाई, इसका लुक काफ़ी अच्छा है यार, बहुत बड़ी है, ये मैंने बिल्डिंग यहाँ पे लगा दी, और भी हमारे पास काफ़ी सारी यूनिक बिल्डिंग्स हैं उनको भी लगा देते हैं। देन हमारे पास ये एक एक्सपो सेंटर है, वाओ एक्सपो सेंटर, इसके अंदर क्या होता है, एक्सपो सेंटर ट्रेड शो एंड कॉन्फ्रेंसेस अट्रैक्ट विजिटर्स फ्रॉम नियर फार रिक्वायरमेंट बिल्डिंग दिस स्पेस एलिवेटर। एक्सपो सेंटर दुनिया भर के विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, और ये बिल्डिंग रिक्वायरमेंट है स्पेस एलिवेटर के लिए। ये स्पेस एलिवेटर क्या होता है, मे बी ये बिल्डिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस एलिवेटर बना सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये जो है हमारा एक्सपो सेंटर वो इधर किधर बना रहे क्या, ये हमारे यूरोपियन सिटी में नहीं यार, ये यूरोपियन सिटी में नहीं बनाते, एक्सपो सेंटर हमारा मोमो टाउन में लगाते हैं इसको,
जो मैंने यहाँ पे नया ट्रेन टर्मिनल बनाया था ना उसके साइड में लगाते हैं। मैंने भी यहाँ पे ये एक्सपो सेंटर लगा दिया है जहाँ पे आई थिंक दुनिया भर के लोग आएंगे एंड ये लोगों को आने के लिए हमारा यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है एंड मैंने यहाँ पे थोड़े से पार्किंग लॉट्स भी लगा दिए ताकि ये जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सके। और अभी वापस से अपने एक बार यूरोपियन ट्रेन स्टेशन में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे कितने लोग आते हैं यहाँ पे अभी तक। दिस ट्रेन स्टेशन वॉज बिल्ड इन खार्किव यूक्रेन। वो ये यूक्रेन के अंदर बिल्ड हुआ था। जो मैंने यहाँ पे वेयर हाउस लगा दिया था क्या उसके अंदर मामला पानी आ चुका है? वो 10% फुल, 26 टन यहाँ पे आइटम्स आ चुके हैं। देन ये लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व यार अभी तक नहीं हुआ। इन लोगों को माल क्यों नहीं पहुँच रहा यार? अरे यार अभी ये बिल्डिंग अबैंडन्ड हो गई है, मुझे इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। यार तुम्हें सोच रहा होगा इस मैं यहाँ पे कार्गो ट्रेन टर्मिनल लगा ही दूँ, यार इनको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैंने ट्रेन तो यहाँ पे लगा दी है तो एक कार्गो ट्रेन टर्मिनल भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ तो इन लोगों का भी इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कार्गो ट्रेन टर्मिनल यहाँ पे लगा देगा, यहाँ पे पैसेंजर जाने वाले नहीं। कार्गो ट्रेन टर्मिनल अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा यार। ये वाले रोड को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पे हमारा कार्गो ट्रेन टर्मिनल रहेगा इसी जगह पे, इसी रूट पे लगाते कोई इशू होगा नहीं मेरे हिसाब से। लगा दिया है तो अभी यहाँ से हमारे सिटी के अंदर कार्गो इंपोर्ट होगा जो कि हमारे यूरोपियन सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जल्दी से भी ये कार्गो ट्रेन टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये इसको जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता है। फाइनली गाइज मैंने यहाँ पे एक कार्गो ट्रेन टर्मिनल लगा दिया है हमारे यूरोपियन सिटी के लिए जहाँ पे कोई कार्गो ट्रेन अभी आई है क्या? लेट मी चेक। या यहाँ पे एक कार्गो ट्रेन है तो भी यहाँ से हमारे सिटी के अंदर माल इंपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो सामने यहाँ से इस सिटी से ये ट्रेन से भी जो माल है उसको उतारा जा रहा है। एंड ये सारी गाड़ियाँ देखो ये वाले अंडरग्राउंड हाईवे से ये स्मॉल वेयर हाउस में जा रहा है। ओह देखो जो मैंने यहाँ पे वेयर हाउस बना दिया था, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी आ चुकी है। तो ये वेयर हाउस के अंदर काफ़ी सारा माल स्टोर होगा सिटी से बाहर से अंदर से आके। एंड इधर अभी इनका प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाना चाहिए बट ये लोग अभी भी बोल रहे हैं नॉट इनफ गुड्स टू सेल। अबे पागल हो गए क्या तुम लोग? अभी तो यहाँ पे मैंने बना दिया है बट इधर के लोगों ने अभी चिल्लाना बंद कर दिया। एंड ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से बाहर आती है ये वाले अंडरग्राउंड रोड से, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो गाड़ियाँ बाहर आई थी आ रही होगी, देखो सारी गाड़ियाँ बाहर आ रही है। तो सीधा अभी मैंने क्या करा है, ये वाला कार्गो हार्बर है इसको यहाँ से कनेक्ट करके इधर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से सारी गाड़ियाँ हमारे यूरोपियन सिटी के अंदर आके माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। एंड में भी इन लोगों का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। देखा लास्ट टाइम ये बंदा बोल रहा था इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अभी ये क्या बोल रहा है, नॉट इनफ कस्टमर्स। आर यू सीरियस? पहले बोल रहे थे माल बेचने के लिए माल नहीं है, अभी बोल रहे नॉट इनफ कस्टमर्स। और ये फिर से एक बार इसका दुकान ये बिल्डिंग इसका ये हो गया अबैंडन्ड। यार अबैंडन्ड क्यों करते हो? मुझे आई थिंक थोड़ा सा गाइस यहाँ पे और कमर्शियल एरिया रेजिडेंशियल एरिया बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कस्टमर्स नहीं है। वो ये रेड कलर की ट्रेन है, इसके अंदर कितने पैसेंजर्स है? 360 पैसेंजर्स है। ओ भाई ये आई थिंक रेड कलर की बुलेट ट्रेन है। वो तो इसका लुक और भी प्यारा है भाई, बहुत सही, देखो कितनी प्यारी लग रही है। वाओ आई थिंक ये अभी भी यहाँ पे आई है और देखो इससे कितने सारे पैसेंजर्स बाहर उतरे। दैट्स गो भाई। और अभी यहाँ से ये ट्रेन जा रही है और एक और बुलेट ट्रेन आई है भाई, कितनी सारी बुलेट ट्रेन आ रही है। तो चूंकि काफ़ी अच्छी बात है अभी हमारी सिटी में पूरी दुनिया भर से बहुत सारी बुलेट ट्रेन आएंगी। वो रेड बुलेट ट्रेन हमारे ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है जो मैंने यहाँ पे एक्सपो सेंटर के जस्ट साइड में बनाया था और इससे बहुत सारे पैसेंजर्स भी उतरे। एंड एक और ट्रेन आई है तो भाई ट्रेन बहुत इफिशियंट होती है, अरे मुझे बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी। और वैसे भी ये जो मैंने एक्सपो सेंटर बनाया था उसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं? 42 विजिटर्स, बट यार बहुत कम विजिटर्स है यार। एंड वैसे भी ये बनाने के बाद कुछ अनलॉक होने वाला था ना मॉन्यूमेंट में, मुझे वो चेकआउट करना है, वो कहाँ पे मिलेगा मुझे? हाँ ये रहा स्पेस एलिवेटर। स्पेस एलिवेटर को बनाने के बाद मे बी हम स्पेस से लोगों को लेके आ पाएंगे भाई, ये तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। एंड आई थिंक देन मैं इसकी मदद से स्पेस में भी जा सकता हूँ। यहाँ पे बना देते स्पेस एलिवेटर को, मैंने ये स्पेस एलिवेटर गेमर्स यहाँ पे बना दिया है और दुनिया भर के लोग खुश हो गए स्पेस एलिवेटर को बनाने के बाद। और आई थिंक इससे हम स्पेस में भी जा सकते हैं और स्पेस से लोगों को भी लेके आ सकते हैं। देखो इसके एंटीनास वगैरह घूम रहे हैं, अभी तक तो यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आया नहीं है। और वैसे टूरिस्ट के लिए एकदम बढ़िया जगह हमारा यूरोप, ये वाले सारे जो लोग स्पेस एलिवेटर से जो आएंगे वो हमारा पूरा यूरोप घूमेंगे। बट यूरोप में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, देखा ये इधर पूरी गाड़ियों की लाइन ही लगी है और ये सारी लाइन ये छोटे छोटे रोड्स की वजह से लगी है। यहाँ पे ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है, ये वैसे गाड़ियाँ जा कहाँ पर रही है? वो इधर जा रही है गाड़ियाँ, यहाँ पे ये रुक क्यों रही है भाई? हाँ देखो ये छोटे रोड्स की वजह से इशू होता है यार, तो मुझे यहाँ पे थोड़े से आई थिंक रोड के कनेक्शंस डायरेक्ट बनाने पड़ेंगे अंदर की तरफ। एक काम करते यहाँ से मैं हाईवे के कनेक्शन से यहाँ पे ना डायरेक्ट बना दूंगा। 74% ये फुल हो चुका है। ओह लेट्स गो। तो मुझे आई थिंक यहाँ पे थोड़े से और वेयर हाउसेस लगाने पड़ेंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। एंड अभी इन लोगों ने कंप्लेंट करना यहाँ पे बंद कर दिया है। हाँ ये लोग अभी आप यहाँ पे कंप्लेंट बिल्कुल नहीं कर रहे। और इधर से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। और ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है? ओह स्पेस एलिवेटर से। ओ भाई साहब गाइस फाइनली देखो स्पेस एलिवेटर से गाड़ियों ने आना यहाँ पे शुरू कर दिया है। और यहाँ पे एक छोटी लड़की नाच रही है,
एलिमेंट्री स्कूल गोइंग होम, ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ये स्पेस एलिवेटर से लोग आए, ड्राइविंग टू लार्ज ग्रोसरी स्टोर, वाओ यहाँ पे जा रहे हैं ये लोग भाई, बहुत बढ़िया। ये बंदा भी एसयूवी लेके वो ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जा रहा है, तो यही फ़ायदा होता है स्पेस एलिवेटर का। और ये सारी गाड़ियाँ इधर से अगर जाएंगे तो ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू होगा, तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे कुछ कनेक्शंस करवाने पड़ेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे। और लोग सीधा जी वैगन लेके आ रहे हैं भाई यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये कहाँ पे जा रहा है? ये वैसे स्पेस से आ रहा ही है, वाओ, मतलब किसी और ग्रह से आ रहा होगा ये। और आई थिंक मैं इसी स्पेस एलिवेटर का यूज़ करके किसी भी ग्रह पे जा सकता हूँ, तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम किसी और ग्रह पे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आई थिंक मार्स, मून वगैरह, तो मे भी हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में मार्स पे जाएंगे इसी स्पेस एलिवेटर का यूज़ करके, ऐसे हम टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में करेंगे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज शाउट आउट। तो आज का जो सबसे पहला शाउट आउट है, हम ये वाले रोड का नाम चेंज करेंगे हमारे स्पेस एलिवेटर के सामने वाले रोड का, और आज का सबसे पहला शाउट आउट जाता है यश गेमिंग को। पहला शाउट आउट मैंने दे दिया है यश गेमिंग को, ये वाले रोड का नाम चेंज करके हमारे स्पेस एलिवेटर के सामने का। एंड सेकंड शाउट आउट जाता है ये वाले रोड का नाम चेंज करके जित्तू को, काफी क्यूट सा नाम है, तो इसको हम जित्तू बुलाएंगे। जित्तू को मैंने शाउट आउट दे दिया है, एंड हमारे यश को। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए नीचे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वाले एपिसोड में आपको शाउट आउट दे दूंगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे किसी और प्लैनेट पे जाने की इसी स्पेस एलिवेटर का यूज करके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गेमर्स।